राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कल तखतगढ़ आगमन हुआ था। बहुत अच्छा होता कि समय निकाल करके ओडवाड़ा जालौर भी चले जाते। तखतगढ़ से हेलीकॉप्टर में उनको मात्र 14 मिनट लगते हैं, लेकिन वो नहीं गए। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज फिर सुनवाई हुई 20 तारीख को, और हाईकोर्ट ने वही अपना आदेश दोहराया और सरकार को निर्देश दिया है कि आदेश की पालना करके 29 जुलाई की पेशी मुकर्रर की गई है, उस पर अपना जवाब पेश करें। अब ये चिंता का विषय है, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के इसमें आम जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जनता का कोई कसूर नहीं है। 1973 की जब बाढ़ आई तब लोगों को राज्य सरकार की ओर से सनद दी गई। 1983 में जब ये ओडवाड़ा गांव देवावास ग्राम पंचायत का हिस्सा था तब वहां ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किए, और जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चला उसमें 2002 में तहसीलदार के द्वारा नियमन करके कई लोगों के खातेदारी दर्ज की गई, उनके जमीन का किस्म भी बदलकर जमाबंदी के अंदर गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज किया गया है। तो अब इस पूरे प्रकरण में आम जनता की कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। सरकार के जैसे निर्देश थे उसके अनुसार लोगों ने अपने आवास बनाए, अपने आशियाने बनाए, अपने कनेक्शन लिए। आज जब ये परिस्थिति बनी है तो लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं है। जवाब भी उसी ढंग से पेश किए जा रहे हैं कि मकान तोड़े जाएं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि आप और आपके मंत्री लोगों को गुमराह नहीं करें, और आपका प्रशासन भी सिर्फ अपने मुंडी बचाने का काम नहीं करें। ये आशियाने किसी कीमत पर टूटने नहीं दिए जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि सारी परिस्थितियों को चाहे मुख्य पीठ में हाईकोर्ट की और चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राजस्थान की सरकार को बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके पेश करना पड़े, वो कदम उठाने चाहिए। अन्यथा लोगों के ये वर्षों की इनकी मेहनत धूल में मिलने नहीं दी जाएगी। यही हम आपको कहना चाहते हैं।